बल्लेबाजों से भरी हुई है। ऑटो एंसिलरी और ऑटो स्टॉक्स आज सेक्टर ऑफ द डे रहने वाले हैं। स्क्रैपेज पॉलिसी को जिस तरह से दो हफ्ते के भीतर भीतर कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, ड्राफ्ट नोट तैयार हो चुका है, इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन पूरा हो चुका है और नितिन गडकरी साहब ने तो दो ढाई महीने पहले ही देखिए इसके ऊपर दस्तखत करके सरकार के सामने ये मसौदा भेज दिया था। तो जाहिर सी बात है अब इसके बिल्कुल हम करीब आ चुके हैं और हमें लगता है कि ये वो सेक्टर है जो भागेगा। प्रिकॉल के ऊपर रखिएगा नजर, सुब्रॉस अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, जय भारत मारुति में तेजी देखने को मिल सकती है, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स मदरसन सुमी एफएनओ वाले कारोबारियों के लिए और ऑटो स्टॉक अशोक लेलैंड एफएनओ वाली दो कंपनियां भी आज टीम में शामिल की, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। केशोराम में टायर भी है, सीमेंट भी है, टायर की वजह से इसे आज डिपेंडेबल का दर्जा दिया है, अच्छा प्रदर्शन गैब्रियल भी दिखा सकता है, ये शॉक अब्जॉर्बर वाली कंपनी है। जेटीकेटी में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, ये स्टीयरिंग सिस्टम्स बनाने का कामकाज करती है और अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है मिल सकता है आज के सत्र में पूर्वांकरा जैसे स्टॉक्स में और प्रेस्टीज एस्टेट में। रियल एस्टेट सेक्टर ना सिर्फ आज अगले हफ्ते भी फ्लेवर में रहेगा, इसीलिए इन दोनों स्टॉक्स को भी पावर प्ले का दर्जा दिया है और टीम में अंत में इनको भी जगह मिली है। खरीदारी पे ही पूरा फोकस है, लेकिन कुछ स्टॉक्स सेल साइड के भी हैं और शुरुआत में ओएनजीसी है। लो होप पे अच्छे रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किए, मार्जिन इंप्रूवमेंट किया और $60 का रियलाइजेशन है, नतीजे बेहतर दिख रहे हैं, खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, लेकिन सीएससी के नतीजे कमज़ोर हैं, भारतीय एयरटेल के नतीजे कमज़ोर हैं, एजीआर का इम्पैक्ट साफ दिख रहा है, कंपनी को बड़ी प्रोविजनिंग करनी पड़ी और अगले क्वार्टर में भी करनी पड़ेगी क्योंकि अभी भी काफ़ी बाकी है। इंफ्राटेल में भी वो वीकनेस आपको दिखेगी। तो ये तीन स्टॉक सेल साइड के हैं, लेकिन न्यूलैंड लैब ने अच्छे नतीजे दिए, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं आप। और ऑटो के आज फ्लेवर है तो इसलिए मंजाल ऑटो, नेलकास्ट और रिको ऑटो में खरीदारी करके चले क्योंकि स्क्रैपेज पॉलिसी का फायदा पूरे ऑटो सेक्टर को होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि जो अनडिस्कवर्ड स्टोरी है एंसिलरी उस पर फोकस करना चाहिए। और पेज इंडस्ट्रीज के नतीजे बेहतर है तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया हो सकता है क्योंकि जो एसआर का फैसला आएगा उससे बड़ी रकम की वसूली इनके लिए होगी, तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए।